हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कद्दू और चवले की सब्जी, यानी कद्दू और लोबिया की सब्जी। तो आप एक बार हमारे तरीके से भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हम बनाना चालू करते हैं। इसके लिए हमने ये जो लोबिया थे इन्हें भिगो के रखे थे, उसके बाद इन्हें हमने उबाल लिया, नमक डाल के उबालना है। और इधर हमने कद्दू भी अच्छे से कट करके रख लिया है। अब कद्दू हम फ्राई करके सब्जी में डालेंगे, इससे सब्जी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप भी कद्दू जब भी डालो फ्राई करके डालिए। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, प्याज भी हमने कट करके तैयार कर लिया है, साथ में हरा धनिया और टमाटर। अब इन्हें हम थोड़ी देर ढक के देंगे। ढकने के बाद बीच में चेक करते रहेंगे। हम कद्दू फ्राई कर रहे हैं, इसे अच्छा लगेगा इसका टेस्ट, इसलिए आप भी ज़रूर फ्राई कीजिएगा। इसे चेक कर लेना है कि कद्दू हो गया है कि नहीं। तो लगभग हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसी कढ़ाई में हम सब्जी बनाएंगे। तो थोड़ा सा तेल और डालेंगे। इसमें हम राई, जीरा डालने के बाद हरी मिर्च और प्याज डाल देंगे। ये सुनहरे हो जाए जब तक चलाते रहेंगे। इसके बाद थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग जरूर डालिएगा, हींग से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला डालेंगे। इन्हें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग हमारा मसाला हो गया है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक अपने स्वादानुसार रखना है। अब थोड़ी सी हल्दी, हमने टमाटर डाले हैं इसलिए इसमें हम थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। गुड़ आप डाल सकते हो, यदि आप गुड़ नहीं डालना चाहते हो तो आप इसकी जगह शक्कर भी डाल सकते हो। अब इसे हम ढक के थोड़ी देर होने देंगे। बीच में हम चेक भी करते रहेंगे। तो हम चेक कर लेंगे। तो हमारे टमाटर अभी अच्छे से नहीं हुए, थोड़े कच्चे लग रहे हैं, तो थोड़ी देर और होने देंगे। अब हम और चेक कर लेंगे। तो लगभग हमारे टमाटर हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी इन्हें अच्छे से अब हो गए हैं, इन्हें चेक कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी जो कसूरी मेथी आती है वो डालेंगे। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप भी ज़रूर डालिएगा। कसूरी मेथी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे। आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। इसके बाद हम कद्दू डाल देंगे। कद्दू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो भी हमने लोबिया उबाल के रखे थे वो डाल देंगे। इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी इसमें हम डाल देंगे, अलग से हम पानी नहीं डाल रहे हैं।
अब अच्छे से मिक्स करके इसे ढक देंगे, लगभग 5 से 10 मिनट होने देंगे। इसके बाद हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद मिक्स करके थोड़ी देर और होने देंगे। अब हम चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हो हमारी सब्ज़ी कितनी अच्छे से हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हमारी सब्ज़ी हो गई है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो सब्ज़ी कितनी टेस्टी और स्वादिष्ट बनी है। तो आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा।